क्या बात है, आज बादशाह सलामत इतने उदास क्यों है? पता नहीं, काफी दिनों से ऐसे ही हैं। आज वैसे कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हैं। आओ तो फिर बादशाह सलामत से तफरी करते हैं। क्या हुआ हुजूर, इतने उदास क्यों हैं आज आप? रूठे हो तुम, तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। अबे चुप बेसुरे, एक तो वैसे ही मेरा दिल उदास है और ऊपर से ऐसे बेसुरों के गाने। अरे तो बताइए ना, क्यों उदास हैं? यार बोर हो गए हैं हम, लाइफ में मजा ही नहीं रहा, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अरे हुजूर तो शादी कर लो, जिंदगी में तूफान आ जाएगा। क्या? मेरा मतलब है लाइफ में हलचल आ जाएगी। जी हुजूर, ये सही कह रहा है, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही, हम भी बोर हो गए हैं। क्या सोच रहे हैं, बस मान जाएं। अरे मान जाइए ना, हमारा दिल भी बहल जाएगा। मुझे सोचने दो। बादशाह सलामत, सोचना क्या है, बस अब तो आप लड़की पसंद करें। यार यही तो मसला है, आखिर करूं किससे? मैं बताऊं, माधुरी से कर लें आप। नहीं नहीं, रीमा से। नहीं भाई, मुझे तो ऐसी लड़की से शादी करनी है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और जो मेरी मलका बनने के काबिल भी हो। ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? बादशाह सलामत, फिर तो एक ही हल है, वो जो अलादीन का चिराग हम लूट कर लाए थे ना, उस चिराग को रगड़ो, जिन निकलेगा उसी से पूछ लेते हैं। हाँ यही ठीक रहेगा, रुको एक मिनट। ये काम क्यों नहीं कर रहा? चाइना का लगता है। एक मिनट, बैटरी चेंज करके देखते हैं। हुजूर अब ट्राई करें। अबे ये क्या, ये कौन है? हुजूर ये तो औरत है। वाह भाई वाह, नकाब में। लेकिन चिराग वाला जिन तो मर्द था। तो क्या हुआ, औरत जिन नहीं हो सकती क्या? अच्छा भाई कहिए, क्या हुक्म है आका, जल्दी मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है। हुजूर बुरी तो ये भी नहीं, इसी से शादी कर लें। बे दिमाग खराब हो गया है, भूत से शादी करूंगा मैं? ना मोहरम है वो भाई। हमें भी दरअसल एक अदद लड़की की तलाश है जो कि दुनिया की खूबसूरत औरत हो और हमारे मलका बनने के लायक भी हो। अच्छा तो मैं क्या करूँ फिर? तुम बताओ हमें कि वो कौन है और हमें कहाँ मिलेगी। आपके पास 5 चॉइसेस हैं। नंबर 1 सिंड्रेला, नंबर 2 स्लीपिंग ब्यूटी, नंबर 3 ऐश्वर्या, नंबर 4 प्रीति जिंदा, नंबर 5 सुमरी। ऐश्वर्या। ऐश्वर्या। स्लीपिंग ब्यूटी तो सोती रहती है, ऐश्वर्या राय आजकल विवेक के साथ है, प्रीति शूटिंग में बिजी है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, सिंड्रेला या सुमरी। फंस गए। मैंने सोच लिया, सुमरी। वाह क्या पसंद है, सुमरी आपको दूर एक गांव में मिलेगी। अच्छा जी अल्लाह हाफिज। नमक हरम हो, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और मेरी मलिका सुमरी को लेकर आओ और फौरन शादी की तैयारियां शुरू की जाएं, जश्न का इंतजाम किया जाए। फूटी बिचारी की किस्मत। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बदतमीज, तुमसे कितनी दफा समझाया है, किसी और से इश्क लड़ाओ। क्या करें, हम तो तुम पे फिदा हैं।
अबे ये कौन आ गया? देखो तुम डरना नहीं, मुझे एक काम याद आ गया, मैं बस अभी आया। तुम कौन हो? मलका सुमरी कहाँ है? तुम कौन हो? सुमरी सच में क्या काम है? उठाओ इसको और हेलीकॉप्टर में डालो। नहीं, बचाओ। वो अबे तुझे चैन नहीं है? वो क्या? वो तुम्हारी बहन को ले गए। बहन को ले गए? क्या बोल रहे हो? सांस तो लेने दो, तुम्हारी बहन को कुछ गुंडे उठा कर ले गए हैं। क्या? कैसे? क्या? कब? कैसे? कुछ अजीब सी मखलूक थी, हेलीकॉप्टर में आए और तुम्हारी बहन को ले गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलीकॉप्टर तो सिर्फ उस जालिम चंगेज खान के पास है, लेकिन उसको तुम्हारी बहन से क्या काम है? सुमरी तुम घर जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, ये क्या हो गया? मैं क्या करूँ? कुराक, उस बादशाह चंगेज खान के मुहाफिज सुमरी को उठा कर ले गए हैं। क्या? सुमरी को भी? वो गुंडे कुराक की बहन को भी ले गए हैं। वो जालिम बादशाह, लेकिन हमने उसका क्या बिगाड़ा है? पता नहीं, लेकिन मैं पता करके रहूंगा, तुमको नहीं छोड़ूंगा। ए चंगेज खान, मैं अपनी बहन और अपने प्यार सुमरी को वापस जरूर लेकर आऊंगा। कहाँ ले जा रहे हो? बचाओ! नहीं, बचाओ! कहाँ ले जा रहे हो? वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कहीं आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ के बच्चे, हमें यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो तुम? फिलहाल आप आराम करें, बातों के लिए तो बहुत वक्त पड़ा है। क्या मतलब है तुम्हारा? इनका खास ख्याल रखना। नहीं। अलादीनू! वरी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी बहन को और मेरी मोहब्बत सुमरी को बादशाह के गुंडे उठा के ले गए। अरे बाबा, लेकिन क्यों और कब? आज ही, कुछ देर पहले। तुम बादशाह के शहर का रास्ता जानते हो? अरे हाँ, लेकिन क्यों बाबा? मैं वहाँ जा रहा हूँ अपनी बहन और सुमरी को उस जालिम की कैद से आजाद करने, और आप जनाब हमें वहाँ लेकर चलेंगे। अरे उल्लू का औलाद, बेवकूफ का बच्चा, वहाँ जाना मजाक काम नहीं है बाबा। सैकड़ों मुहाफिज हैं बादशाह के। बहन उठा के ले गए और तुम मजाक समझ रहे हो? हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अच्छा ठीक है, चलो। आओ पीर साहब की मजार पर दुआ पढ़ें और थोड़ा आराम कर लें। नहीं, हमें देर हो रही है। अरे भाई, कहाँ जाने की इतनी जल्दी है? अरे जोगी बाबा, कोराक की बहन और सुमरी को बादशाह के फरंगी ले गए हैं। क्या? कब? आज, और हम उन्हें सुनाने जा रहे हैं।